उत्तर अंडमान के डिगलीपुर इलाके में पुलिस ने जाल बिछाकर दुलाल बैरागी नामक एक व्यक्ति को रंगे हाथ 700 ग्राम गांजे के साथ पकड़ा है। डिगलीपुर क्षेत्र के स्थानीय पत्रकार डीजे वेंकटेश ने चैनल वन न्यूज को बताया कि पुलिस काफी लंबे समय से दुलाल बैरागी को गांजा लाते वक्त पकड़ना चाहती थी, पर हर बार वो बच निकलता था। पर इस बार जब एक जानकारी के आधार पर पुलिस ने एक डिगलीपुर के नवीन नगर गाँव में एक जाल बिछाया तो गुरुवार को रात के करीब 10:30 बजे दुलाल बैरागी आ फंसा और उसके पास से 700 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने तुरंत ही दुलाल बैरागी को गिरफ्तार कर लिया है। इस धरपकड़ अभियान में कांस्टेबल बाबूराव, निखिल हल्दर, दिल्ली राव, लक्ष्मण राव, हेड कांस्टेबल बालकृष्ण और रजाक अली शामिल थे। इनका नेतृत्व सब इंस्पेक्टर यादव ने किया, जबकि ये कार्यवाही उत्तर अंडमान के डीएसपी सी के सिंह के नेतृत्व में की गई।